मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के गांदरबल के लोगों ने मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि चंद रोज कबल अथॉरिटी के कुछ लोग इलाके में आए और उन्होंने जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करके हमारे आरजी डांचों और दरख्तों को मसमार करना शुरू कर दिया। मुकामी लोगों का कहना है कि हमने अपने जमीनों के कागजात भी दिखाए, ताहम हमारी एक भी नहीं सुनी गई और हमारी जमीनों पर जेसीबी मशीन चला दी गई। एहतजाज करने वाले लोगों ने इल्जाम लगाया है कि बेशक कुछ जमीन सरकारी है, लेकिन ज्यादातर जमीन हमारी अपनी है। अथॉरिटी के जिम्मेदारान ने हमारी एक भी नहीं सुनी और हमें अपने जमीनों से बेदखल कर दिया। लोगों का कहना है कि हमें अथॉरिटी के एहलकारों ने जाते जाते ये फरमान भी सुनाया कि हमें इस सारे इलाके के मकानात हटाने हैं। मकामी लोगों का मजीद कहना है कि अब अगर हमारी जमीनों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमें किसी और जगह पर जमीन फराहम की जाए और हमारे रोजगार का बंदोबस्त किया जाए, ताकि हम फाका कृषि का शिकार न हो जाए। पेश है वैली ऑनलाइन के लिए बेग इरशाद की यह खसूसी रिपोर्ट। मोहम्मद शफी वाजा बसान हाजी मौला मानसबल। हजरत अशारज इत पे कि रात आई डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ इनफार्मेशन बगैर ये जमीन और लीगल और इनलीगल, मगर यमो लीगल तो मिसमार तो इनलीगल तो मिसमार। अस गए इन काकज हेत काकजन दलील मान नो कहें हजरत तो अथ मज आला हुकाम करा अपील कि ये करो तहकीकत ये इनलीगल के अगर इन नुन लीगल के क्या आ मिसमार कर मकान क्या आ मिसमार कर आइंद खात थो वार्निंग तीत ये सारे बस्ती उड़ाव महीगीर अगर इन बस्ती उड़ाव उड़ा दो हमें कोई फर्क नहीं है, मगर अस दी तो जमीन बे दी तो सोन रोजगार। मैं अब्दुल हमीद मैं वार्ड मेंबर हूँ। तो कल डेवलपमेंट अथॉरिटी आया था तो जमीन लेने के लिए, उसके बाद उन लोगों ने लीगल इनलीगल भी ले गया। हम लोग ने बहुत कुछ किया उन लोग को रुकने के लिए, वो लोग नहीं माना ये बात। यहाँ का तहसीलदार साहब था, उसको भी बहुत रिक्वेस्ट किया था हम लोग ने, भाई हम लोग को थोड़ा सा टाइम दे दो, वो लोग भी नहीं माना। उसके बाद उन लोगों ने मार डाला गया, बाल बच्चों को भी मारा, औरतों को भी मारा और ले गया सब। हम लोग को अपील कर रहे इतने ही उसको कि अगर हमारा है कुछ उसको हम लोग को पैसा दे दो, और अगर हम लोग को उठाना है उठा दो, कोई बात नहीं है, कम अज़ कम हम लोग को जमीन चाहिए और रोजगार होना चाहिए।